वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई की दुनिया। सबसे पहले आप लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाली मिठाई, तो चलिए बनाते हैं। हम लेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी, उसमें हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आपका जो भी मन करे वो आप ले सकते हैं। थोड़ा स्टर करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध, ये हमारा काफ़ी थिक दूध है। ये दूध काफ़ी गर्म है, आप चाहें तो रूम टेम्परेचर का भी दूध ले सकते हैं, या हल्का गुनगुना दूध भी ले सकते हैं, या आप गर्म दूध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे स्टर करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करें इसे। इसके बाद हमें इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाल देना है, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, बहुत सा मार्केट में आता है। और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए स्टर करेंगे ताकि लम्स ना पड़े। फ्लेम को हमें इस समय स्लो रखना है, नहीं तो लम्स पड़ने लगेंगे। ये क्विक रेसिपी है, अचानक आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं, या आपको पूजा में चढ़ाना हो तो अचानक से याद आए मिठाई तो घर में है नहीं, बाजार कौन जाएगा, तो आप इसे बहुत जल्दी में बना सकते हैं। इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है, नहीं तो लम्स पड़ने लग जाएंगे। जल्दी जल्दी हमें स्टर करना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स इस समय भी डाल सकते हैं, पहले नहीं डालना चाहें तो। अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहें तो आप इसमें चीनी ना डालें, आप इसे ऐसे ही बना लें। इस समय ये थिक हो रहा है तो आप इसी समय उतार सकते हैं, लेकिन हम चीनी डालेंगे तो हमने जिस कप से मिल्क पाउडर लिया था उसी कप से आधा कप हम शुगर पाउडर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब ये थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी, इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अगर आपके पास चीनी नहीं है तो आप चीनी पीस कर उसे पाउडर शुगर बना लें, या आप चीनी ही डालना चाहते हैं तो आपको दूध के साथ चीनी डालना होगा। किनारों को खुरचते हुए हमें चलाना है, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इसमें आप इलायची पाउडर डाल दें, अगर आप कलर मिलाना चाहें तो आप मनपसंद कलर भी ऐड कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। किनारों को खुरचते हुए इसे छुड़ाते जाएंगे। अगर आप प्रसाद नहीं बना रहे हैं तो इसे आप नॉनस्टिक में बनाएं, इजीली रिमूव हो जाता है। अब ये ठीक हो रहा है, इस समय हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद ही हम ग्रीस की हुए प्लेट में निकालेंगे। हमने गैस ऑफ कर लिया है, इसे थोड़ी देर इसी तरह चलाते रहेंगे। थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक ग्रीस की हुई प्लेट में हम इसे निकाल कर फैला लेंगे। ये देखिए, इसे हमने ग्रीस कर लिया है, इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए पिस्ते के टुकड़े लगाएंगे, आप चाहें तो बादाम या काजू के भी टुकड़े लगा सकते हैं। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली यमी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। उससे भी अच्छी बात, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, हमें बाज़ार से कुछ लाना नहीं पड़ता है, घर में रखे सामान से बन जाता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।